अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और सूजी का टिकियों वाला हलवा। इसके लिए मैंने बेसन और सूजी पौना पौना कप ली है दोनों चीज़ें, और छान के एक ही जगह एक ही प्लेट में मैंने रखी हुई है ये। और एक कप मैंने चीनी ली है, ठीक है, ये मोटी चीनी है, आप चाहे बारीक भी ले सकते हैं। आधा कप ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। और पौना कप मैंने पानी लिया है, ये देखें आप, पौना कप है। 7 से 8 इलायची के दाने हैं और 2 पिंच जर्दे का कलर है। एक पैन में पहले हम पानी डालेंगे और साथ ही इसमें चीनी शामिल कर देंगे। ये आराम आराम से पकती रहेगी। एक दफ़ा मैं इसे हिला रही हूँ और ये आराम आराम से पकती रहेगी। इतने हम बेसन और सूजी को भून लेंगे, हल्की फ्लेम पे रख देंगे इसे हम। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, सारा ऑयल एक साथ ही डाल लेंगे हम। पैन हमारा पहले से गर्म है, ये सूजी और बेसन हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको हम आहिस्ते आहिस्ते हल्के फ्लेम पे चलाएंगे और हल्के फ्लेम पे ही इसको भूनेंगे हम। फ्लेम हमारा तेज़ नहीं करेंगे। अगर फ्लेम हमने तेज़ किया तो बेसन हमारा जल जाएगा और सूजी हमारी भुनेगी नहीं, इसलिए बहुत हल्के हाथ से दोनों को हम भुनेंगे। आराम आराम से फ्लेम हमारा हल्का ही रहेगा। ये वक्फे वक्फे से मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये हमारे पास फरमाइश आई थी यासिर मलिक की, ये चीनी देखें सारी घुल गई है इसमें। ये इलायची का हमने पाउडर बना लिया है, थोड़ी दरदरी कूटी है हमने इलायची। और ये जो 2 पिंच हमने जर्दे का कलर लिया था ये भी हम इसमें ये डाल रहे हैं। अब हम इस चाशनी को पकने देंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखें ये हम इसी तरह से इसको भूनते रहेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे, हल्के फ्लेम पे भूनेंगे हम इसे। बहुत आसान तरकीब है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जब ये भुन जाएगा तो ये फूलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये नहीं भुना है, जब ये भुनना शुरू होगा तो ये फूलना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद, आप देखिएगा। और ये पैन को भी छोड़ देगा, ये देखें अभी ये भुना नहीं है, ये भी और भुनेगा, भी आपको देखो महसूस होगा कि ये भुना नहीं है, भुनेगा तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। इसको हम और भूनेंगे अभी 2 से 4 मिनट। ये देखिए ये फूल रहा है, ये देखें ये फूलना शुरू हो रहा है, अब ये भून गया, ये देखें इस तरह फूलना शुरू हो जाएगा। जो चाशनी हमने बना ली थी वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, इसको एकदम से सारी नहीं डालेंगे हम, पहले हम इसे मिला लेंगे आराम से और फिर बकाया को भी हम डालेंगे। आराम आराम से डालिएगा।
आधी हमने डाली थी ये मिक्स हो गई है, देखें अब ये बकाया भी इसमें हम डाल देंगे। चाशनी भी गर्म थी और बेसन और सूजी भी पक रही थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत एहतियात से चलाएंगे हम इसे। और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। फ्लेम हम अपना दरमियाना कर लेंगे, पहले हमने बहुत मध्यम किया हुआ था उसे, थोड़ा सा हम तेज़ कर लेंगे। ये देखें ये जो चारों तरफ आपको लग रहा है कि चिपका हुआ है, ये पैन को छोड़ देगा, ये जिस तरह से चिपका हुआ है हलवा ये छोड़ देगा और पैन के पर से भी हट जाएगा। ये देखें ये इस तरह से, ये देखें इकट्ठा हो गया है इस तरह से। तकरीबन 4 से 5 मिनट चलाया है हमने इसे। किसी भी ट्रे में हम ऑयल वगैरह लगा के रखेंगे। ये देखिए ऑयल लगाया हुआ है हमने इसमें। और ये हम ट्रे में देखें डाल रहे हैं इसे। देखिए ये अभी से सख्त होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम इसे बिल्कुल आराम से लगा लेंगे इसमें। और हमने 4 से 5 बादाम क्रश करके रखे हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो वो हम हलवे पे लगाएंगे। ये देखें इसको बिल्कुल हमवार कर दिया हमने चारों तरफ से। ये देखें बिल्कुल हमवार हो गया। अभी 4 से बादाम लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये इस पे हम लगा रहे हैं और इस तरह से इसको दबा देंगे, बिल्कुल ये प्रेस हो जाए इसमें और ये ठंडा हो जाता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन आधा घंटा लगेगा ठंडा होने के लिए। ये देखें ये मैं अब इस ठंडा हो चुका है, ये देखें और सख्त हो गया है, देखें बिल्कुल सख्त हो गया है। अब इसे हम कटिंग कर रहे हैं। आप इसको चाशनी डालने के बाद जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा सख्त हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा नरम रखना है तो कम भूनिएगा, और अगर आपको ज़्यादा सख्त रखना है कि ज़्यादा कड़क हो जाए तो ज़्यादा भून लीजिएगा इसको। ठीक है ये कटिंग हो गया, अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें ये हमने निकाल लिए हैं, आप चाहें तो इसे बहुत सख्त भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।